जो जो इंस्टाग्राम से यहाँ पे आए फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे अब हम रेगुलर वीडियो डालने वाले हैं एडिटिंग से रिलेटेड। सो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। सो आज मैं आपको कुछ इस तरह की एडिटिंग सिखाने वाला हूँ जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था एंड काफ़ी लोगों को ये पसंद भी आई थी। आई नो, मुझे पता है। अब यहाँ पे हम रेगुलर वीडियो डालेंगे क्योंकि गाइस बहुत टाइम हो गया। आई नो, क्योंकि स्टूडियो वगैरह में बिजी था, उसके वजह से डिले हो चुका है इन सब चीज़ों में। सो हे गाइस, वो सभी स्टोनो प्लीज एंड वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। सो चलते भी सीधा मोबाइल स्क्रीन की तरफ। गाइस, आपको सबसे पहले इस तरह के एक लेंस की क्लिप शूट कर देनी है या फिर कुछ और भी प्रोडक्ट रख सकते हो आप। उसके बाद आपको इसको उठा लेना है। उठाने के बाद आपको सेम जगह पे अपना फ़ोन या फिर जो भी आपके पास डिवाइस होगा, आईपैड वगैरह या फिर कुछ, उसमें ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड करके कुछ इस तरह से मूवमेंट कर देनी है आपको। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, वहाँ से आपको ड्रैग कर देना है। एंड उसके बाद हम जाएंगे अभी डायरेक्ट फोटो रूम ऐप में जाके हम क्या करेंगे, तो हमारा जो वीडियो था ये, इसका हम स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फोटो रूम ऐप में उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हमने ऐड कर दी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा लेंस जो है वो इरेज हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है, तो ये आपको एक्सपोर्ट कर देना है एंड सेव इमेज कर देना है, तो ये अपने गैलरी में आ जाएगा। उसके बाद आपको कैपकट ओपन कर लेना है, तो यहाँ पे वीपीएन ऑन करना। मेक श्योर कि आप वीपीएन ऑन करके कैपकट ओपन करिए। एंड कैपकट ओपन करने के बाद आपको अपनी क्लिप ओपन कर देनी है जो हमने रिकॉर्ड की थी। तो यहाँ पे हम अभी तो देख सकते हो ये हमारी क्लिप है। तो यहाँ से हमें इतना स्प्लिट कर देना है लेंस का पार्ट। एंड उसके बाद जहाँ से हमें वीडियो स्टार्ट करना है यहाँ से, एंड यहाँ से स्प्लिट कर देना है। और ये बीच का पार्ट है, इसे डिलीट कर देंगे। तो ये क्लिप हमें क्या कर देना है, ओवरले कर देना है यहाँ पे। ये देख सकते हो, ओवरले पे क्लिक कर देना है, ये नीचे आ जाएगा। एंड इसे सबसे आगे लेके जाना है, ठीक है। तो ये क्लिप हमारी ऐसे क्लिप बन जाएगी, आप देख सकते हो। इसका वॉल्यूम कम कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसी क्लिप बनेगी। अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके हमें रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है क्रोमा की। एंड इसे हमें इंटेंसिटी इसकी प्रॉपरली कर देनी है एंड शैडो बढ़ा देना है, तो ये प्रॉपर इरेज हो जाएगा कुछ इस तरह से, देख सकते हो। तो यहाँ पे ये इतना चीज़ ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको ओवरले पे क्लिक कर देना है। ओवरले में हमारी वो फ़ोटो ऐड कर देनी है प्रॉपरली। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी फ़ोटो ऐड हो चुकी है। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह बन रहा है। अभी हमें प्रॉपर डिटेल चाहिए, शेडो वगैरह, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देख सकते हो यहाँ से हम, जहाँ से हमारा टैब नीचे टच हो चुका है वहाँ पे हम मास्किंग करेंगे। मास्क देखना है आपको, यहाँ पे मास्क कर लेना है रेक्टेंगल, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो नीचे इन्वर्ट है, इस पर क्लिक कर देना है एंड इसे प्रॉपर हमें स्ट्रेच कर देना है बड़ा। एंड थोड़ा बहुत फेदर ऐड कर देना है यहाँ पे, आप यहाँ से भी फेदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टच हुआ, तो यहाँ हमें रखेंगे एंड की फ्रेम से आगे लेके जाएंगे क्लिप को एंड ऊपर लेके जाएंगे और डन। तो ये देख सकते हो हमारे क्लिप कुछ ऐसे ही बन चुकी है, डन। इसे हम स्पीड स्लो कर देंगे जिससे वजह से और लंबा ड्यूरेशन मिलेगा। एंड ये तो ये हमारी क्लिप कुछ इस तरह रेडी हो चुकी है। ऑलराइट, सो गाइस, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दो एंड चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब भी कर दो। सो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए कुछ क्रिएटिव करते रहो।